बट यहाँ पे जैसे ही भाई मैं पुश करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि भाई यहाँ पे तो मतलब कोई था ही नहीं इन दो बंदों के अलावा। अब फिलहाल ये अले बंदे भी भाई हम पेल देते हैं। और तुम्हारे भाई का मतलब गेम प्ले भाई अभी तक नेक्स्ट लेवल पे चल रहा था, मैं नोक भी नहीं हुआ था अभी तक एक भी बार, ठीक है। तो हम आते हैं एक फ्लेयर ड्रॉप पे जो कि भाई पड़ा हुआ था अपने नोवर अपनोए में, और हम यहाँ पे लाकर रोकते हैं गाड़ी। अरे भाई एक बंदे ने मुझे इतना ज्यादा गंदा नोक करा, बहुत ही ज्यादा गंदा, तो तुम वो सीन देखना मतलब क्या ही था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस बंदे के आगे भाई जंप शॉट देता हूँ, और जंप शॉट दिया भाई मेरा वो सही चीज़ थी, बट थोड़ी देर बाद ना मैं क्राउच भी कर देता हूँ। भाई क्राउच करने से क्या होता है, तुम्हारी सारी जो गोलियाँ होती है ना भाई वो हेड पे पड़ती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बंदे एम तुम्हारी चेस्ट पर लेते हैं, और जैसे ही तुम क्राउच कर जाओ तो तुम्हारा बंदा नीचे को झुक जाओ, वो चेस्ट वाला एम सीधा हेड पर कन्वर्ट हो जा। तो अगर इसीलिए भाई तुम किसी भी ढंग के ढूंढ के प्लेयर को देखोगे तो भाई क्राउच करना भाई बहुत ज्यादा गलत चीज है। अब मेरा भाई इस पे हाथ सेट हो गया, पता नहीं ऑटोमेटिक दब जा, मैं दबाना भी नहीं चाहता कभी कभी क्राउच का बटन, बट भाई वो दब जा, कभी कभी बचा ले कभी कभी मरवा दे। अब यहाँ पे फ्लेयर गन में से भाई मैं एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी गन उठा लेता हूँ जो कि होती है MK14, और काले कच्चे वाला इसे देखता उससे पहले तो भाई मैंने साफ कर दी थी इस ड्रॉप से। अब यहाँ पे मैंने चोड़ चोड़ में MK14 तो ठा ली थी, बट भाई मैंने जो ठाई ना MK14 उसके बाद भाई मैंने ये एक ये स्प्रे मारा। अगर तुम्हें पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करना। अबे बंदा आ नीले घर पे मतलब भाई चलती गाड़ी से MK14 का ऑटो स्प्रे 3x पे दे के भाई मैंने यहाँ पे ये बंदा नॉक कर दिया। और अगर तुमने भाई इस चीज को देख के लाइक नहीं करा ना तो भाई तुम्हें मजा आने में, लेकिन क्या करे किल्स तो चाहिए थे। अब जहां पर इसको भी एक मार्क लगाया तो मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया कि बंदा कहां पर है। अब बारी थी बस उनको ठोकने की। पता नहीं क्यों इतनी गोली खाने के बाद ये बंदा बचा कैसे था, लेकिन जो भी हो मैंने इसको पुश करके खत्म कर दिया। लेकिन हमको इसके टीममेट के बारे में कुछ खास पता नहीं था। भाई साहब सच बोलूं तो वो बंदा मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखा था, और जब दिखा तो मैंने उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, लेकिन उसको भी ने मेरे को यहाँ क्या अंधी फायरिंग करके बचाया। जो भी हो अब हम लोग को यहाँ पर एक बंदा दिख गया था, मेरे को जैसे ही रैप मिला मेरे को समझ गया था कि बंदा पत्थर के पीछे है, तो मैं यहाँ पर आ गया और तभी उसने एक नेड गिरा। अब इसको भी यहाँ पर फर्स्ट एड गिराई थी लेकिन मैंने उठाई नहीं, क्योंकि नेड आसपास गिरा था और मेरी इतनी हेल्थ थी कि अगर वो नेड फटता भी दूर तो मैं धमक से नॉक हो जाता, तो मैंने फर्स्ट एड बाद में उठाई। अब मेरे को पता था कि बंदा वहीं पर है और मैं इस हेल्थ में उससे लड़ नहीं सकता, तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट एड लगाई। अब भाई यार नेट की वजह से ये बंदा एकदम से लेफ्ट से राइट हो गया, लेकिन जो भी हो मैंने प्रोन होकर उसको खत्म कर दिया। लेकिन हम लोग जहां पर थे वहां पर कुछ नेट फूटे, तो हम लोग एक बात तो समझ गए कि जो भी आखिरी बंदा बच रहा है वो हमारी लास्ट लोकेशन तो जानता था, तो वहां पर दोबारा नहीं जा सकते थे। अब बात ये थी कि उस बंदे को स्पॉट कैसे करें क्योंकि वो प्रोन था। अब यहाँ पर स्कूबी ने उस बंदे को देख लिया था तो उसको हल्का फुल्का आइडिया था कि वो बंदा पेड़ के पीछे है, लेकिन यहाँ पर इतने पेड़ थे कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो किस पेड़ के पीछे है। तो मैंने स्कूबी से कहा एक मार्क लगाओ। अब स्कूबी ने यहाँ पर एक मार्क लगा दिया तो यहाँ पर हम लोग को पता था कि वो बंदा है थोड़ा बहुत कि कहाँ पर है। तो भाई बस अब क्या करना था, हम लोग डिसाइड करा कि हम लेफ्ट राइट करेंगे ताकि वो बंदा कंफ्यूज जाए, और भाई साहब वो बंदा क्या ही कंफ्यूज हुआ, बस देखते जाओ। इजी चिकन डिनर और प्लान यहीं पे हो जाता है फेल। और इसके बाद सडनली तीन और गाड़ी आती है यहाँ पे। अब देखो यार वहां पे जैसे बहुत सारी टीमें आती है तो वो सबकी फाइट हो जाती है, और इसी भगदड़ के अंदर जो है हम ये वाली टीम पे पुश कर देते हैं। अब जैसे मेरे को पता चलता है कि वो सिर्फ एक ही बंदा है तो मैं सबसे पहले एक नेट कुक करता हूँ, और वो भी लास्ट सेकंड नेट। और अब देखो कैसे मारते हैं।
अब यार कमेंट में आपको एक चीज़ गेस करनी कि मुझे कैसे पता चला कि ये बंदा जो है इसी खुपची के अंदर छुपा हुआ है। तो जिसने इस बात का सही आंसर दिया उसको मिलेगा, उसका कमेंट में पिन करूँगा, तो देखते कौन सही आंसर देता है। खैर इतने में देखो बिल्कुल 100 आई क्यू ग्रेनेड करता हूँ मैं, और ये वाकई में 100 आई क्यू ग्रेनेड था। बस आप देखो यहाँ पर मैं जैसे नोक हुआ जस्ट आप किल फील देखो, मेरे ग्रेनेड ने उस बंदे को नॉक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे पता था यार वो बंदा जो है इसी तरफ से मेरे पे अटैक करेगा, क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो है राइट हैंड ही होते हैं, और मैंने वहीं पे ऑलरेडी नेट देख दिया था। और जैसे उसने मेरे को नॉक किया तो मेरे नेट ने उसको नॉक कर दिया, और अब बारी इसके टीममेट की जिसको इजीली मार दिया जाता है। और अब फाइनली जो है हम ये मैच इजीली जीत सकते हैं। पहले मैच जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे साथ डीजिंग हो जाता है, लेकिन ये वाला मैच फिलहाल तो सही चल रहा है। लेकिन आगे जाके जो इस मैच में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होने लगती हैं। अब वहाँ पे जो है गाड़ी दिख जाती है मेरे को ऑलरेडी, इसलिए जो है हम सोचते हैं कि यहाँ से जो हम फायर करेंगे वो वाली गाड़ी पे, और मेरा टीममेट मार्कर भी लगा देता है, और मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ उसका गाड़ी पे बैठने का। अब वो यहाँ पे जैसे बचा तो भाई और भी बहुत सारी टीमें जो कि शैक वैक में छुपी हुई थी सबके सब उन पर फायर करने लग जाते हैं, और उनकी गाड़ी ऑलमोस्ट फूटने वाली है यहाँ पे। अब मैंने सोचा कि ये जो शैक वैक वाले बंदे हैं यार इन पर पुश कर दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी ओपन में थे, तो मैं और मेरा टीममेट सोच लें कि पुश करने के लिए उन पर। अब मेरी गाड़ी में था यार फ्यूल कम, लेकिन ड्राइव मैं ही कर रहा था, तो मैं ड्राइव करते करते जो है फ्यूल नहीं कर सकता था, तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई मैं ड्राइव स्विच करूंगा और तुम ड्राइव करना तो मैं फ्यूल करूंगा। लेकिन इतने में जैसे मैंने ड्राइव स्विच किया इतने में आ जाती है गाड़ी, और यार यहाँ पे वो वाली टीम ने बहुत ही समझदार दिखाई कि जो अरे यार इन्होंने गाड़ी फाट दी। अरे इन्होंने अपनी गाड़ी उठ फाट दी, लाइक कर ना पाया वो करी। तो बहुत कुछ करने के बाद मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा यार इनको अंधा ही बनाऊं, पर पता नहीं कहां से इन लोगों ने मुझ पे अटैक कर दिया, दिखा भी नहीं है किलिंग गन। तो अब देखो आपको लग रहा होगा हम अकेले हैं, मतलब वैम्पायर अकेला बचा हुआ है, अब ये लोग रश करेंगे, पर इन्होंने जो टिप्स एंड ट्रिक इस्तेमाल किया इससे ये लोग चाह के भी रश नहीं कर सकते, ये लोग वहीं पे बैठे रहेंगे। इनको टिप्स एंड ट्रिक पे ज्यादा भरोसा है, ये वहीं पे होल्ड करने वाले हैं तब तक कि जोन ना जाए इनके ऊपर से। तो मैंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, पहले तो मैंने अपने आप को हील किया पूरी तरीके से ताकि कोई दिक्कत ना हो क्लोज फाइट में, और उसके बाद जो आइडिया मैंने लगाया वो एक सिंपल सा आइडिया था। इस आइडिया में आपको कुछ नहीं करना, बस अपने टीममेट को बोलना इनको बिजी रखे, आप भी खुद बिजी रहो, यहाँ पे टीपीपी लेते रहो, पर मेक श्योर अगर आप यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकोगे तो बॉम्ब आएगा, और उसके बाद सीधा यहाँ पे आने का और छत पे चढ़ने का, और उसके बाद तो नज़ारा देखो आप। भी फेंक भाई देगा आपने, तो देखते ही देखते मैंने किलिंग गम से गन से बदला ले लिया, और ओ, ओ, ओ भाई ओए अबे साले तू वहां पे बैठ के टिकटॉक का मुजरा देख रहा था क्या जो इतने देर से निकला नहीं, मतलब हाथ होती है भाई कैंपिंग लेवल की, जब मैं इनके बंदों को ठोक रहा था तब ये क्या कर रहा था। पर कोई बात नहीं गाइस, देखते देखते हम हील हो गए और वैम्पायर ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ते ही जो इसने तांडव किए ऊपर, इसके बाद तो उनकी हालत खराब हो गई, बेचारे रिवाइव रिवाइव खेल रहे थे ऊपर। ओके चलो 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 और इसी के साथ ये वाली स्क्वाड तो क्लियर हो चुकी है, और मैं पहले ही बता दूं ये क्राउन 2 या 3 का गेम प्ले है, मैं अभी इस टीयर पे पहुंचा नहीं हूँ, ये पुराना वाला गेम प्ले है, और टाइम कमी के कारण ई स्पोर्ट में आने के चक्कर में थोड़ा सा क्लासिक कम खेल रहा हूँ मैं। इस बंदे को देखो क्या परेशानी है, बॉम्ब फेंक रहा है भाई साहब। तो गाइस आशा करता हूं आपको गेम प्ले, और देखिए एक बंदा आप लोगों को भी सामने नीचे दिखाई दिया होगा, मैं गेट वैसे ऊपर फेंक रहा था लेकिन मैंने इस बंदे फेंक दिया ये नॉक। नाइस दूसरे गेंद की पिन खींची,
इसको ऊपर फेंका और अच्छा मगर ये खाली गया। तीसरे गेंद की पिन खींची मगर भाई इस बार खाली नहीं जाने दूंगा। एक और बंदा नॉक। अरे 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 इंटरनेट प्लस भाई साहब पसीना प्रॉब्लम, ये नई समस्या आई है। पर कोई नहीं, अब देखिए इस स्क्वाड से हम इतनी देर से फाइट ले रहे थे लेकिन ये नीचे नहीं आ रहे थे, ग्रेनेड भी किया कोई फायदा नहीं, लेकिन इतने में एक टीम ने यहाँ पे थर्ड पार्टी कर दी। और अब देखिए यहाँ पर जो टीम थर्ड पार्टी करती है सबसे पहले उसकी पार्टी खत्म हो जाती है यहाँ पर। अब वो कैसे, अब इस घर वाली टीम ने उधर एक बंदे को नॉक किया, मैंने पीछे विंडो में से झांका, एक नीचे ठीक रहे थे पीछे कार वाले गैराज के पास, एंड मैंने रश कर दिया। एंड इसी के साथ में जो टीम थर्ड पार्टी करने आई थी उसकी पार्टी यहां पे खत्म हो गई। अब बात करते हैं इस टीम की कि अभी इनके तीन बंदे अभी भी बचे हुए हैं। फाइनली भाई अब जोन भी आ चुका था, जोन की मार पड़ने बस स्टार्ट ही होने वाली थी, हमारे पास कोई प्लान नहीं था क्योंकि ग्रेनेड वगैरह सब खत्म हो गए, बस इंतजार था कि ये बस नीचे आए, तो हम लोग सीढ़ियों पर बैठ गए। और अब देखिए ठीक है धर दियो M249 नहीं नहीं जंप करा सर, नीचे आया इधर नीचे आया। अब मुझे लगा कोई बंदा नीचे आया, मैं नीचे गया जैसे ही, हेल्थ नहीं, टीपीपी लिया, सामने गेट। अब ये गेट बंद था लेकिन जैसे ही खुला मेरी नजर गई इस पे और तभी बंदे की भाई साहब गंदे के, और इसी के साथ में ये वाले स्क्वाड भाई इजीली फिनिश हो गई। लेकिन हाँ इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि जोन की मार हमें बहुत ज्यादा गंदी पड़ी थी। फिलहाल हम लोग यहाँ आए, अभी चाहिए रहेगी बीआरडीएम। अब जैसे ही मैं छत पे आया, हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल की बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और गाइस बहुत मेहनत लगी थी वीडियो बनाने में, लो प्लीज सपोर्ट कर लीजिए हमारे चैनल को एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स भर दीजिए इसको, और हमारे जल्दी जल्दी बन के करवा दीजिए एंड बाय गाइस।